बताइएगा हमें, हाउ डिड द होल, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, कैसे पता चला और जी 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 कहाँ से शुरुआत हुई? मैं इस वक्त अनिल मुरारका अपने दोस्त और विष्णु जी के साथ बैठा हूँ। अनिल मुरारका मेरे दोस्त हैं, करीब 25 साल पुराने हम लोग मित्र हैं। इतनी तो उम्र ही नहीं हुई। सो ये एक काम में मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ये जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं, चाहे कोरोना काल की बात हो या गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात हो या अनाथ बच्चों की मदद करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि हम सबको थोड़ा थोड़ा सर्व करना चाहिए अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। सो अनिल को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे एक न्यूज़ दिखाई और उस न्यूज़ में विष्णु जी के बारे में मुझे पता चला कि इन्होंने 20 साल की सज़ा काटी एक जेल में, और जबकि निर्दोष नहीं थे। 20 साल एक एक दिन इन्होंने भुगता वहाँ बेकसूर होते हुए, और 20 साल बाद प्रशासन ने और जज ने इनसे सॉरी कहा और कहा कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपको रिहा किया जाता है। तो ये जब न्यूज़ अनिल ने दिखाया तो मैं सोचने लगा कि ये यार हम में से किसी के साथ हो सकता है, अगर होता तो फिर क्या होता, तो आदमी तो पागल ही हो जाता है या ख़त्म ही हो जाता भाई। ये तो असली ज़िंदगी है, ये मूवी नहीं है। हमने एक मूवी देखी थी अंधा कानून, अमिताभ बच्चन वाली, कि 20 साल वो बेकसूर सज़ा काटते हैं मूवी में और बाद में वो एक थैला लेके और गाते हुए निकल जाते हैं, ये अंधा कानून है। तो ये तो रियल लाइफ है। तो हमें ऐसा लगा कि सरकार तक तो हम बात पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार की अपनी एक प्रक्रिया है, वहाँ पर्टिकुलर एक आदमी को देने के बजाय उन्होंने पूरे नियम बनाने होंगे, फिर वो शायद देखेंगे इनकी तरह और ऐसे कितने केसेस हैं, तो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा कि हर चीज़ हम सरकार की तरफ क्यों देखें बार बार, छोटा छोटा तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर हमने तय किया कि ये मैं इसको अपनी तरफ से एक छोटी सी एक भेंट दूंगा, एक आर्थिक भेंट दूंगा, ताकि ये कोई अपना छोटा मोटा व्यवसाय उससे आरंभ कर सकें। जैसे कि इनको, आपको खाना बनाने का बहुत शौक है ना, खाना बनाने की आपको प्रैक्टिस है? खाना बनाते थे मैं जेल में भी आप बनाते थे? हाँ हाँ, वहाँ काम करते थे उसमें मेस में, वहाँ रोटियाँ बेलते थे। और कितनी रोटियाँ बेलते थे? 3,000 रोटियाँ बेलते थे सर जी। 3,000 रोज की? हाँ, रोज की 3,000। तो वहाँ इस तरीके से इतने गुल्ले आते थे, और मतलब वो आटे के गुल्ले जो होते थे वो बेलन से बेले जाते थे, और भी बेलकार होते थे कुछ लोग जो हमारे साथ बेलते थे। अच्छा, तो 3,000 बेलने पड़ते थे कि 1,500 इस टाइम, 1,500 शाम के टाइम। अच्छा, हाँ बस। नहीं, जेल जाने से पहले भी कुछ खाने बनाने के काम में थे या कुछ? हाँ सर जी, बिल्कुल कुछ। माँ का हाथ बंटवा लेते थे, माँ अकेली थी, हम 5 भाई थे, तो और सब नहीं। हमने उसमें न्यूज़ में देखा कि आप चाहते हो कि आप छोटा मोटा ढाबा खोल पाओ। हाँ हाँ सर जी, बिल्कुल। अपना कुछ मतलब जीवन बिताने के लिए अपना कुछ मतलब ऐसा काम तो करना ही पड़ेगा। अब वो जमीन तो जायदाद रही नहीं, मकान भी नहीं रहा, सब ध्वस्त हो गया। तो बस आप लोगों का योगदान और सहयोग, आप जैसे महान आत्मा को जो हर पल गरीबों की सेवा में आप हर पल खड़े रहते हैं, और हमें भी आपने सहयोग देने के लिए आपने यहाँ बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो आपको कहना चाहेंगे कि आप मैं नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, और हमें बहुत दुख है कि हम आपके ये 20 साल के कष्ट को दोबारा तो नहीं चाहते कि वो तो कोई लौटा नहीं सकता जो आपने भुगता है 20 साल, लेकिन ऐसा कुछ हम ज़रूर हम लोग कर सकते हैं छोटा मोटा, कि हो सकता है आप ढाबा खोल पाएँ। जी जी सर, ललितपुर में है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश। तो अनिल, मैंने एक छोटा सा इनको एक आध मतलब आपको देना चाहिए। अच्छा सर। और अनिल जी, अनिल का मैं, हाँ, थैंक्स। See, it's not about Anil. I am really grateful to Bhai, ki who has taken time out to take it forward. Raju Bhaiya ne kuch bataya mere bare mein,
मुझे पता नहीं मैं इस योग्य हूँ ना हूँ, कोशिश करते हैं हम कि हम कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहें। तो आइडिया विष्णु जी के साथ जो आज बीता है, भगवान नहीं करे वो किसी और के साथ ऐसा बीते। ये सिस्टम जो हमारा है उसको कहीं ना कहीं कोई सुधारने की ज़रूरत है भाई, इसको तो आप एक्नॉलेज करोगे पक्का। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे विष्णु जी, हाँ ये तो हमारी नज़र में आ गए, ऐसे होंगे जो आज भी वहाँ दफन है और शायद वो कभी बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो द सिस्टम हैज़ टू रियली गियर अप और इंश्योर कि भाई कोई हिसाब से भी ऐसा कोई वाक्या आगे ना देखने को मिले। दैट इज़ ओनली अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई वो आगे बढ़ें, क्योंकि भाई हम और आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्थिक मदद आप कर लोगे जी, लेकिन सिस्टम जब तक नहीं सुधारेगा कोई और विष्णु फंसेगा, तो वो सुधारना ज़रूरी है। इट्स अपील, एक गुजारिश सरकार को कि ऐसा इनको देखना ज़रूरी है कि दूसरे और कोई विष्णु खड़े नहीं है। विष्णु जी, आपकी थोड़ी जो आपके साथ जो घटनाएं घटी है उस बारे में कुछ बताइए, ताकि वो सुनने के बाद कुछ और लोग जो आपकी मदद कर सके। आपका जीवन काफी कुछ नष्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है, वो तो भरपाई अभी हो नहीं पाएगी, लेकिन ये वीडियो देखेंगे जिन जिन तक जाएगा शायद आपको सहयोग कुछ कर सके, कुछ उस बारे में बताइए जी। बस क्या हुआ, हम हमारे यहाँ खेती का काम होता था और गाय भैंसें भी थी, तो बस उसका भी, उसकी ज़मीन भी हमारी ज़मीन से लगी हुई है वहीं नहर के करीब में, तो गायों का झगड़ा था भाई साहब, और कुछ बड़ी बात नहीं थी। और बस उस टाइम उन लोगों ने पता नहीं किसके कहने से या किसने उसको जो भी सिस्टम बना हो उनके कैसे वो हुआ है, उनने इस पैसा के खातिर बस ये केस को मतलब लगवा दिया और उन्हें पैसा मिला एस टी एक्स में, उन्हें अच्छा रुपया मिला और 376 में जो रुपया मिला हो उनकी बस भगवान मालिक है उनका क्या बस होगा। बस हम तो खैर बहुत बेगुनाह थे और तो भगवान ने ईश्वर ने हमारी सुनी और सब आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से हम आपके समक्ष बैठे हुए हैं। तो बस बेगुनाही का जे हुआ कि हम बेगुनाह थे और परमात्मा ने ईश्वर ने गणेश भगवान ने हमारी सुन ली और उस समाज को उस आप दुनिया के आपके समक्ष हम बैठे हैं साक्ष है, दिख रहा है, नहीं तो शायद है कि वहीं दफन हो जाता, वहीं ख़त्म हो जाता जो हम झूठे थे, शायद हिम्मत बांधे रहे। वैसे रहा कि कभी तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बाहर जाएंगे और उस समाज को दुनिया को दिखा पाएंगे अपने भारत को, जो आज सबके समक्ष आप लोग ले रहे हैं तस्वीरें और जो जिंदा बैठे हुए हैं। अनिल जी, एक दिन नहीं बर्बाद हुआ है, 20 साल खड़ा हुए हैं, ये सुनते ही तो हमारे जो है पूरे सिहरन भर आती है। इसमें आप किसे दोषी देख रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं या सिस्टम में कुछ बदलाव होना चाहिए, किस प्रकार इस प्रक्रिया को आप देख रहे हैं? भाई मेरे, हम आज ज़िंदगी के उस दौर में चल रहे हैं जहाँ हम एक एक दिन का हिसाब रखते हैं और 20 साल एक अपने आप में, मतलब मैं नमन करता हूँ उस आदमी को कि आज ये बैठे हैं यहाँ पे मौजूद हैं और एक मिसाल बन के समाज तक पहुँच सकते हैं, ये इट इज़ अनबिलीवेबल। एक एक दिन भारी पड़ता है अपने जीवन में और 20 साल निकालना वो तो भी उस संघर्ष के साथ। अनिल भाई, जेल की जिंदगी सोच के भी रोंगटे खड़े होते हैं। मैं नहीं बोलता, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा इसका, कहीं ना कहीं सिस्टम की कुछ गड़बड़ी है, वी नीड टू करेक्ट दैट। आज एक उदाहरण, जो जांच अधिकारी था या वो जो पुलिस का अधिकारी था जिसने उस तरह से ठीक से जांचा नहीं, बराबर साक्ष्य के इकट्ठा नहीं किया और मनगढ़ंत स्टोरी बनाई, मुझे लगता है उनको भी सज़ा होनी चाहिए भाई। उनको सज़ा, इनके 20 साल तो वापस नहीं आएंगे भाई, दैट इज़ द बेसिक थॉट ना भाई। क्योंकि आज सिस्टम क्या है, सॉरी आई एम टेकिंग अ मिनट, नहीं आज किसी ने एक गुनाह किया, वही आदमी अपना गुनाह छुपाने के लिए आज सिस्टम के हिसाब से अगर BMC हॉस्पिटल में जाता है और एक लॉन्च करता है कि भाई मुझे किसी ने असॉल्ट किया, उस का एक सर्टिफिकेट ले लेता है वो BMC हॉस्पिटल से, उस सर्टिफिकेट के बेस पे गुनहगार जाके पुलिस स्टेशन जाता है कि भाई मेरे को किसी ने, इसने फलाने ने असॉल्ट किया है, ये मेरे पास सर्टिफिकेट है BMC के अस्पताल से, मैं लेके आया हूँ कि मुझे इतनी लगी है, पुलिस उस पर FIR दर्ज करती है। तो ये जो थोड़ा सा लेकुना है बिना उस चीज़ को समझे FIR दर्ज करना, समवेयर इट हैज़ टू बी करेक्टेड। राजू जी, आप जब भी आते हैं एक हंसी का माहौल बन जाता है, पूरी दुनिया में इस तरह का है, लेकिन आज यहाँ इस तरह का माहौल नहीं है,
आप अनिल जी और आप किस तरह से इनका जो जीवन बर्बाद हो चुका है इनका हौसला किस प्रकार आप बढ़ाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे, या फिर इनपे जो हुआ है जो लोग गलत किए हैं क्या उस पर आप कुछ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ है चीज है आप कुछ खुलासा कीजिए। देखिए ये तो मुझे ईश्वर ने ड्यूटी दी है, जहाँ जाओ वहाँ लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट भी खेरो, क्योंकि मैं एक ही ध्येय को लेके चल रहा हूँ, जिसकी मस्ती ज़िंदा है समझो उसकी हस्ती ज़िंदा है, नहीं तो आदमी ज़बरदस्ती ज़िंदा है। तो हंसा हंसा के तो लोगों को खुश करता हूँ, लेकिन वो क्षणिक होता है और वो एक तरह से देखा जाए तो काल्पनिक खुशी होती है। अगर ठीक से ठोस कुछ कर सकते हैं परमानेंट, तो अनिल जैसे लोग साथ चाहिए, साथ में मिलके हाँ कर रहे हैं, तो फिर हमने ये एक छोटी सी कोशिश की और बीइंग मैं आई एम पार्ट ऑफ योगी गवर्नमेंट, तो उत्तर प्रदेश सरकार में हूँ, तो फिर मैं वहाँ मुख्यमंत्री जी को ज़रूर ये निवेदन करूँगा, उनके सामने ऐसी परेशानी बताऊँगा कि वहाँ से कोई मदद हो पाए तो वो भी इन तक पहुंचाऊंगा मैं। अनिल जी हमने देखा कि राजू जी के जरिए आपने कुछ मदद कराई है, कुछ और भी है आपने ऐसा कुछ सोचा है कि इनके जरिए मदद कराए, गवर्नमेंट के जरिए इनकी हेल्प कराए, या फिर इनका धावा जैसे कि रोटी वोटी भेलते हैं इनके हाथों में छाले पड़ गए थे और दिखाई तो कुछ जो है आपने धावा वावा खोलने कुछ प्लान ऐसा कुछ सोचा है मदद वदद करने की? 100% पूरी कोशिश करेंगे कि इनका जो अभी थॉट प्रोसेस है कि इनकी रोज़ी चलती रहे, उससे ऐसा कुछ काम ज़रूर करें और इंश्योर करें कि इनको रोज़ की ज़िंदगी में अब तकलीफ अब नहीं आए कम से कम। एक एक दिन कैसे वहाँ काटा, मन आपका कभी ख़राब नहीं होता था कि कोई बुरा ख्याल नहीं आता था? सर जी बहुत दिन कोशिश करा, माइक में रिहाई बोलती थी और आने जाने वालों का भी मतलब उसमें ही होता था लेखा जोखा, तो कि मुलाजा आ गया जैसे कहीं और जिलों से, मंडल बहुत बड़ा आया आगरा का, तो जो पश्चिमी पूरा उत्तर प्रदेश मतलब सब लगता है इधर, तो कई ज़िले लगते हैं, तो आना जाना बना रहता था, तो हम जी सोचते थे कभी मुलाकात हमारी भी मुलाकात होगी या कभी हमारी भी रिहाई होगी, रिहाई बोलती थी तो काफ़ी समय तक हमने बस ऐसे ही सुनते रहते थे, काम भी करते थे और सुनते रहते थे, बहुत समय बीत गया। तो हमने सोचा क्या आपको क्या काम मिला था? मैस में काम मिला था, रोटी बेलते थे अपनी मतलब रोटी बेलते थे अपने अपनी बना लेते थे, अपनी खाने को भी लाते थे वहीं से, अपनी दाल पका लाते थे चूल्हे पे। तो इसका कुछ पहले मेहनताना मिलता था? हाँ सर जी पहले मेहनताना 10 रुपये मिलते थे, तो 10 रुपये दिन के, हाँ तो सर वो 15% तो उनको भी कटता था, जो मतलब बताते हैं कि जो एंटी पार्टी होती है उसको जाता है, तो हमें उस सिस्टम का हमें कोई पता नहीं, हम नहीं जानते। तो आपके कितना पैसा इकट्ठा हो गया 20 साल में? कुछ नहीं हुआ सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, बस वो कूपन जो थे अंदर के कूपन, जो कूपन छापते थे उनमें मोहर लगती थी और वहीं वितरण मतलब कैंटीन के थ्रू मतलब वहीं के वहीं सामान वामान लाते थे। महंगाई वहाँ इतनी थी सर जी के बहुत, जैसे 10 रुपया 5 रुपया किलो आलू हैं, अगर बाहर 10 के तो 50 के तो समझो वहाँ पक्के हैं, वहाँ 50 के। मिर्च भी अभी कोरोना काल में तो ऐसा है, इस मार्च से ही मतलब मुलाकात तो होना बंद थी, मुख्यालय से ही बंद है सब, तो महंगाई हो शायद ईश्वर ना हमें पता नहीं कि बाहर हो, 100 रुपया किलो तो मिर्च भी खरीदी अंदर ही जेल में, अंदर जेल में, और आलू भी मतलब 45-50 ही हुई रहा, अदरक भी और लहसुन तो 300-400 का किलो, तो वहाँ अपना गुजारे के लाजे वो जो मिलते थे सर जी वो वहीं के वहीं अपना सामान खरीद लेते थे, तो तेल मसाला और अपना लहसुन और मिर्च मिर्च सो तो अपनी दाल फाल बना लेते थे, तो बस दाल के उसी से अपना रोटी खा लेते थे। विष्णु जी जब किसी के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं उसका मनोबल टूट जाता है, सामाजिक लोग से रूट जाते हैं, उसे कट ऑफ कर लेते हैं, ऐसे में आदमी का विचार आता है कि शायद वो आत्महत्या कर ले या ये कर ले, ऐसा कुछ विचार आया? अगर आया तो आपको किसकी प्रेरणा से ये आत्महत्या नहीं की है ये सब बताइए। बिल्कुल भाई साहब कई दफ़े ऐसा मन हुआ कि हाँ कि मतलब ये बेगुनाह हैं हम, कोई ईश्वर ने करे हमें कि मतलब कभी ऐसा हो, तो हमें कई दफ़े जैसे छोटी मोटी बातें कुछ ऐसी हो जाती थी, कुछ बेइज्जती वाली बात आ जाती थी, तो मन बनता था कि अब इस जीवन में रखा क्या है, शायद है कि यहाँ से कुछ निकल पाएँ या ना निकल पाएँ, क्योंकि अभी इतने समय तो हो चुका है,
बिताते थे उसको, सोचते थे कभी मर जाएं तो, लेकिन मरने के लिए हम ये सोचते थे कि आप मतलब राजू भाई जैसे, भाई साहब जैसे, महान सर जी जैसे, बहुत ऐसे स्थिति हैं जो बाहर टीवी में देखते थे इनको, इनको योगदान और गरीबों के प्रति इतना सहानुभूति। आप तो 20 साल से अंदर हैं, मुझे हाँ तो हम बिल्कुल जानते हैं सर जी, वो आपका प्रोग्राम भी देखते थे और आप यहाँ LCD और TV वगैरह लग रही है, पेपर वगैरह जाते हैं वहाँ, तो हम भी थोड़ा सा मतलब सबको समझते थे, देखते थे, तो हम सोचते थे कि ईश्वर हमें भी उन मतलब उन लोगों से मिलाए और समाज से मिलाए, और हम जब बेगुनाह हैं तो जब गुनाह हमने किया ही नहीं है किसी प्रकार का, तो हम यहाँ आत्महत्या करें क्यों, हम संघर्ष करें, तो हमने संघर्ष करते रहे और हमारे सामने कम से कम 1000 आदमी तो कम से कम भाई साहब मर चुका होगा ऐसी स्थितियों में, कोई किसी बीमारी में, कोई TB में, या तो कोई मतलब अटैक में, तो कोई किसी की मतलब इस तरीके से बहुत मतलब मरा आदमी, लेकिन हम बस गणेश भगवान और माता रानी की और आप सबकी आशीर्वाद और दुआओं से जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं, बस आपकी दुआएं लगी हुई हैं। सो हमने आत्महत्या ना करके और मैं संघर्ष करा, और संघर्ष में हम ये थे कि हम जब बेगुनाह हैं और हमने किया ही नहीं जो गुनाह, तो उसको हमें मतलब मर के हम क्यों दिखाएं, अगर मर गए तो यहीं 4 दीवारी में यहीं दफन रह जाएगा, बाहर कोई पता नहीं चलेगा आदमी को कि हम गुनहगार थे या बेगुनाह थे, तो हम आपके समक्ष यूं बने रहे। मैं तो कहूँगा विष्णु जी हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप हैं, द वे ही हैज फॉट विथ इट इज समथिंग फिनोमिनल, और ये एक मिसाल है कि भाई आदमी चाहे तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता है। इन्होंने खुद बताया कि 20 साल में इन्होंने वहाँ पे कितनी मौतें देखी अंदर, लेकिन ये डटे रहे कि मुझे एक दिन बाहर आना है और समाज को कुछ दिखाना है। अमेजिंग जी, बिल्कुल विष्णु जी से ये ज़रूर सीखने को मिलता है कि धैर्य रखना है और जीवन मिला है तो उसे गंवाना नहीं है। आत्महत्या जैसी बात बिल्कुल नहीं सोचनी है, ये बात बिल्कुल दिमाग में नहीं आनी चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, जीत मिलती है, सत्य पराजित हो सकता है, क्या है लाइन, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। सर सर बिल्कुल सर, वही पोएम है ना भाई हरिवंश राय जी की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। और भाई साहब एक और रहा कि जो सरकारें अभी तक जो कुछ UP में रहती थी तो हम देखते थे, सबको समझते थे वहाँ थोड़ा बहुत, अब माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री बने, वो BJP की सरकार बनी 17 में, तो हमारे सर जी भी मंत्री हैं वहाँ कैबिनेट के, तो हमें भी इनसे बहुत मतलब ऐसा था कि जो सिस्टम इसमें यूपी में बिगड़ा हुआ था, जो व्यवस्थाएं पूरी छिन्न भिन्न थी, वो व्यवस्थाएं इतनी अच्छी बनी और इतना अच्छा योगदान सहयोग मतलब सरकार ने क्रम पे भी कंट्रोल करा, और जो कानून वास्तविक में था जो थी जो झूठे थे तो उनको भी मतलब वो हो रहा है, न्यायपालिका ने भी हमको मतलब दोषी मतलब हम जब दोषी थे ही नहीं, किया ही नहीं था, तो न्यायपालिका ने भी हम उनके शुक्रगुजार हैं न्यायपालिका की भी और अपनी UP सरकार की भी, और केंद्र सरकार में भी BJP बैठी तो उनको भी हम अपने बार बार नमन करते हैं, और सर जी ने हमें बुलाया।